दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद किसानों ने मंगलवार से दिल्ली मार्च शुरू करने का फैसला किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बैठक के बाद मीडिया से बात की और कहा कि हमें नहीं लगता सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है, वे हमारी मांगों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। वार्ता खत्म होने के बाद एक बार फिर से किसान दिल्ली की ओर रुख करने लगे हैं। किसानों के दिल्ली रवाना होने के साथ ही सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर भारी जाम लग चुका है। दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच दिल्ली चलो मार्च की वजह से दिल्ली NCR में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम देखा गया। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया था। इसके बाद भी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में CRPC की धारा 144 सोमवार से ही लागू कर दी गई थी। धारा 144 के तहत दिल्ली में सभा करने, जुलूस या रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।